क्वेश्चन है लेंस और प्लेन मिरर के अंदर। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कन्वेक्स लेंस को प्लेन मिरर के सामने ऐसे रख दिया गया और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, ये 20 सेंटीमीटर के बने। फिर वो कहता है कि इमेज जो बनती है कोइंसाइड विद इटसेल्फ। वो कह रहा है मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा, रे डायग्राम तो खैर गिवन नहीं होती पर चलो अगर बनाई जाए तो कहता है ऑब्जेक्ट से रेज गई, लेंस में से गई, मिरर को हिट किया और मिरर को हिट करके वापस रिट्रेस करती हैं क्योंकि मिरर के अंदर तो एंटर करेंगी नहीं, वापस ही आएंगी। जब वापस आएंगी तो वापस कहां पर आके मिली? पी पे। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं आके इमेज मिल गई। तो जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं मिल गई, यानी कि पी ही ऑब्जेक्ट है और पी ही फाइनल इमेज है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बताओ इस लेंस का क्या होगा। ये क्या बात बनी, मतलब ऑब्जेक्ट भी वही, इमेज भी वही, और फिर मैं यूज क्या करूं, फोकल लेंथ निकाल लूं। इसका लॉजिक ये है, प्लेन मिरर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज को बनाता है। ये लॉजिक है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनाता है। और अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करके देखूं स्पेस के साथ, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, रेज आती हैं और रेज को कैसे आना है, मिरर से टकरा के वापस पी पे जाना है। और वापस पी पे एक ही शर्त है जाने की, क्या? जब वो मिरर को कैसे हिट करेंगी? एट एन एंगल ऑफ 90, क्योंकि अगर टेढ़ी हिट कर दी तो मिरर टेढ़ा भेज देगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और अगर 90 पे हिट करेगी तो वापस जैसी आई थी वैसी की वैसी जाएगी। और हम भी यही चाहते हैं, जैसी आए वैसी की वैसी जाए। मतलब प्लेन मिरर पे जो हिटिंग हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 हो रही है। आप ये देखो, ये डायग्राम क्लियर है 90 वाला। अब लेंस की कहानी सुनो। लेंस कहता है देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं मिरर को प्लेन रेज दूं पैरल करके, तो मेरे को ये पैरल करनी पड़ेगी, और पैरल में तब कर पाऊंगा जब ऑब्जेक्ट को मेरे कहां पर रखोगे? फोकल लेंथ पे। तो अगर तुम लेंस के फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो रेज क्या हो जाती है? पैरल। और हम यही चाहते हैं कि रेज राइट साइड पे क्या हो जाए? पैरल, ताकि 90 डिग्री पे हिट करें। ये आइडिया समझ में आ रहा है? मिरर के लिए ये 90 होना चाहिए। 90 का मतलब सीधी हिट करनी चाहिए। सीधा कौन करेगा? लेंस करेगा। अगर लेंस ने रेज को सीधा कर दिया तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? फोकल लेंथ पे। और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी? 20। वही उसकी क्या गिवन है? फोकल लेंथ। क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तभी ये रेज सीधी हो पाएंगी, सीधी होने से रिट्रेस होकर वापस आ पाएंगे। तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी यहां पर 20 है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक है इसका? रेज सीधा करने वाला क्या मतलब है इसका? ठीक। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि एक फिर से एक प्लेन और कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास प्लेन मिरर है, ये नीडल है, और देयर इज नो पैरलेक्स बिटवीन रियल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पैरलेक्स का मतलब है जब ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट जब लैब में किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल सेम पॉइंट पे आती है, हम कहते हैं नो पैरलेक्स। पर अगर हल्का सा डिफरेंस आ जाता है उनके बीच में, हम बोलते हैं पैरलेक्स की प्रॉब्लम है, मतलब कहीं हिल गई है इमेज आपकी। वो कहते हैं कोई पैरलेक्स नहीं है, जहां पर आपकी नीडल का ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी इमेज बन रही है, बिल्कुल क्लियर इमेज है। तो आप इस डायग्राम में ये बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या है। अब लॉजिक तो वही है, अगर रेज यहां से गई तो मैं ये चाहता हूं कि मिरर को कैसे हिट करे? 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे तब हिट करेगी जब लेंस उसको पैरल करेगा। लेंस इसको सीधा कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा? इसकी फोकल लेंथ पे। तो डायग्राम के अंदर बोल सकते हो ओपी इज दी फोकल लेंथ। तो नाम बताना है इसमें फोकल लेंथ कौन सा है, तो ओपी इज दी फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तभी रेस कैसी जाएंगी? पैरेलल। और अगर रेस पैरेलल जाएंगी तभी वो रिट्रेस करके वापस आएंगे। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है प्लेन मिरर्स का? जैसे क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर गिवन है। ये कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के अंदर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है, और रे डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं गिवन। ऑब्वियसली आपको सिर्फ ये और ये देने वाला है, बस वो 15 सेंटीमीटर। पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, चलो जी पैरेलल रे आ रही है कन्वेक्स पे। जब कन्वेक्स लेंस की रेस पैरेलल होती हैं तो वो कहां पर मिलती हैं? फोकल लेंथ पे। पैरेलल आ रही हैं तो कहां मिलेंगी?
फोकल लेंथ पे, उनको कहां मिलना चाहिए था, यहां पे। पर मिलने से पहले किसी ने क्या रख दिया, प्लेन मिरर, तो ऑब्वियसली मिल नहीं पाई, रेस टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहीं चली जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि जो इमेज बनी मिरर से टकरा के, जो फाइनल इमेज बनी वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे बनी, ओ पे बन गई। क्वेश्चन में गिवन है रेज आती हैं, मिलना उनको यहां चाहिए था पर मिल कहां गई, यहां पे मिल गई, गिवन है क्वेश्चन में। आगे आपको रे डायग्राम बनाना है और फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालनी है। आप अगर ये सोचें कि मैं पेपर में सीधा ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी, बट इसका लॉजिक ये लगाएंगे पहले कि आप पहले एक पॉइंट को समझें, मिरर ने इमेज कहाँ बनाई। क्योंकि आप देखो सीधा रे डायग्राम ना ड्रॉ करें, आप सिंपल लॉजिक ये लगाएं कि अगर ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये आपका मिरर है, सिंपल राइट। इतना तो सबको पता ही है कि रेस कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, मिलना कहाँ पर है, फोकल लेंथ पे, और फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पे, फाइनल में तो ओ पे बन रही है। और आपको इसका और इसका डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में कितना, 15। इसका मतलब मिरर ने रिफ्लेक्ट करके इमेज 15 पे बनाई, तो मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आ रहा होगा, 15, तभी इसने इमेज 15 पे बनाई, क्योंकि मिरर के लिए जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। तो मिरर को ऑब्जेक्ट 15 पे नजर आया, तभी उसने इमेज 15 पे बनाई। पर मिरर को ऑब्जेक्ट कैसे नजर आया, क्योंकि इसने, इसके लिए यू क्या है, इंफिनिटी, और कहीं ना कहीं इसने रेज को कहां मिलाना था, यहां मिलाना था, और क्या बनानी थी, इमेज। तो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज एफ है, इमेज तो एफ पे बनेगी क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है, तो इमेज तो फोकस पे बनेगी। पर मिरर ने इसको ऑब्जेक्ट मान के फाइनल इमेज यहां बना दी, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, लेंस की बनाई हुई इमेज जो होगी वो मिरर का ऑब्जेक्ट बना जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। अब उसने बोल तो दिया कि इमेज यहां पर बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितने, 15, तो ये डिस्टेंस भी कितने, 15। तो रे डायग्राम कंप्लीट कर लो, रे डायग्राम में रेज आएंगी सीधा यहां पर मिलेंगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 और 15 क्या हो गया, 30, तो 30 सेंटीमीटर में मिलानी है, पर यहां डॉटेड मिलानी है क्योंकि एक्चुअल में तो आपने रेस को यहां पे मिलाना पड़ेगा, तो रे डायग्राम ऐसा बनेगा। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ड्राइंग की तरह पर ड्राइंग करोगे और रे डायग्राम बन जाते हैं, तो ऑप्टिक्स में बिल्कुल भी नहीं बनते, पहले न्यूमेरिकल ही सॉल्व होता है, पहले लॉजिक बनता है, पहले ओ आई डिसाइड हो जाते हैं कि मुझे कहां ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे कहां इमेज बनानी है, फिर रे डायग्राम स्टार्ट होता है। तो आइडिया क्लियर है क्या लॉजिक है। तो इस केस में इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। अब रेस पैरेलल आ रही है, कहां पर मिलेंगी, फोकल लेंथ पर, तो ये डिस्टेंस बोलो कितने लेंस से, ये 15 है, ये भी 15 है, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 30, 30 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। और वो निकाला कैसे, मिरर की हेल्प से निकाल लिया, क्योंकि मिरर ने यहां 15 पे बनाया तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है यहां होगा, और ये जो मिरर का ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज होगी, और यही इसकी फोकल लेंथ है क्योंकि रेज इनफाइनाइट से आ रही है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर से एक मिरर ले लिया, फिर से एक लेंस ले लिया, और आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 40। अब वो कह रहा है कि प्लेन मिरर को कितनी दूरी पे रखा, 30, वो 40, ये 30। आपको क्या करना है, लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। डायग्राम तो भूल जाओ, कुछ नहीं गिवन होगा आपको, बस ये गिवन होगा, और डायग्राम पूछ भी नहीं रहा, उसने ये बोला भी नहीं डायग्राम बनाओ, तो तुम बनाना भी मत, तुम बस ये बता दो कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। तुम अगर ये सोच रहे हो मैं डायग्राम देखूंगा, सोचूंगा, अच्छा लेंस यहां से ऐसे 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 करे, कुछ ना तुम्हें समझ में आएगा, तुम चुप करके पहले लेंस से शुरू कर लो। लेंस के लिए यू बोलो कितने हैं, -40। लेंस की फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20, कन्वेक्स लेंस है तो +20, तो तुम सिंपली वी निकाल लो लेंस का, और वी जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40। तो लाइन खींचो, इमेज जो बनेगी वो यहां कहीं बनेगी, ये तो 30 है, इससे भी दूर बनेगी, यहां बनेगी, तो इमेज बननी चाहिए यहां पे।
क्लियर है? अब रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। रेज आई, 40 मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, यहीं तक रोक लेना, यहीं तक रोकना, उसके बाद डॉटेड बनाना क्योंकि मिरर ने इसे रिफ्लेक्ट कर देना है। अब मिरर इसको कहां जाके रिफ्लेक्ट करेगा? मेरे को क्वेश्चन में 30 पता है और मैंने ये 40 निकाल लिया, 40 में से 30 गया, कितना आया? 10। मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है 10, तो मिरर इमेज भी कहां बनाएगा? 10 पे। तो फाइनल इमेज यहां बनेगी। अब जो रेज तुमने रोक के रखी हुई है यहां पे बना देना, 10 आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? मिरर के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, और लेंस का तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है सबको कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? रिवाइज करना पड़ेगा, बट एक आइडिया क्लिक दे रहा हूं मैं आपको क्या लॉजिक है इसका। तो इसके ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, भी कर ही लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक लेंस है और एक जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, हमने किया नहीं, और यहां कन्वेक्स मिरर मेरे को चाहिए भी नहीं वैसे, कन्वेक्स मिरर है, नाम ही चाहिए, अदरवाइज फोटो से पता लग ही रहा है क्या हो रहा है। क्या करना है? अब वो कह रहे हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा और इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जब मैं यहां रेज ड्रॉ करूंगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करूंगा, तो रेज रिट्रेस होके यहीं पर मिलनी चाहिए, यही ऑब्जेक्ट और यही आपकी फाइनल इमेज है। ऐसा तब हो सकता है जब ये रे हिट करेगी इसे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पे हिट करेगी, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी ना, तो इसको कहां हिट करना है? एट एन एंगल ऑफ 90। और अगर कोई रे इस सरफेस को 90 पे हिट करेगी, इसका मतलब वो नॉर्मल के साथ जा रही है, और नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? सेंटर। और सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है? आर। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? आर निकालना है। बस ये बता दो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? ए। इस लेंस ने इमेज कहां पर बनाई? सेंटर पे। और क्यों बनाई? मैंने आंसर दे दिया, तो सेंटर की दूरी क्या है? डी प्लस आर। तो लगा लो लेंस फॉर्मूला, यू क्या है? माइनस ए। इमेज का डिस्टेंस क्या है? आर प्लस डी, बिल्कुल एंड में आर प्लस डी। तो लेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, यू इज माइनस ए, इमेज इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सिंप्लीफाई कर लेना, आर निकाल लेना, जो आई आंसर है। मैं तो लॉजिक बता रहा हूं कि इसको करना कैसे है। तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इन क्वेश्चंस को करने का, तो कैसे एक मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है।